वहीं प्रतापगढ़ में पेट्रोल पंप पर बदमाशों का तांडव, लूट का विरोध करने पर कर्मचारी को गोली मार दी। दौड़ा दौड़ाकर बदमाशों ने कर्मचारी पर फायरिंग की है। 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए 3 बदमाश। पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। गंभीर हालत में कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। नकाबपोश बदमाशों ने बाइक में पेट्रोल डलवाया था और बिना पेट्रोल के पैसे दिए बदमाश जा रहे थे। पेट्रोल कर्मचारी के विरोध करने पर हाथापाई हो गई। दूसरे बदमाश ने कर्मचारी को गोली मार दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। संवाददाता शिव मोहन से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। शिव मोहन, क्या पता चल पाया है कौन ये बदमाश थे जो लूट करके फरार हुए? देखिए, आप सीन को देख, प्रतापगढ़ में दर से बेकौफ है। कल बस को भी लूटा गया प्रतापगढ़ में, कंडक्टर को भी लूटा गया। सरकारी बसों के लूट पाट के बाद थोड़ी देर बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गोली मारी गई। पहले उससे मारपीट की गई, फिर उसके बाद गोली मारकर 2 लाख रुपए लूटे गए। अभी तक इस मामले में पुलिस एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रही। सिर्फ पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। बहुत शुक्रिया शिव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिन दहाड़े बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए, जहां चाहते हैं जैसे चाहते हैं वारदातों को अंजाम देते थे और एनकाउंटर वाली पुलिस सोती रहती है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।